हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं भी मस्त हो गाइज। तो आज का मेरा जो ब्लॉग है ना, वो सुबह सुबह शुरू हो रहा है, मतलब 5 बज रहे हैं अभी सुबह की। और जो मेरी कल की रात थी ना, क्या बताओ कैसी गई, क्योंकि आज मेरे पतिदेव आ रहे हैं। तो यार, मेरी ना रात में नींद ही खुलते रह रही थी कि कहाँ आ गए होंगे, कहाँ आ गए होंगे करके। पर मैं डर के मारे ना फ़ोन भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो गुस्सा करेंगे, सो भी नहीं दिया करके ना। तो मैं 2:30 बजे से उठी हुई हूँ आज, और फिर मैंने 5 बजे ना हिम्मत करके कॉल कर ही ली। 5 बजे नहीं, 3 बजे कॉल किया मैंने कि कहाँ पहुँची। उन्होंने बोला हम टनकपुर पहुँच गए थे 2 बजे करके। तो अभी फिर 5 बजे उनका मैसेज आया था कि टनकपुर से निकल गए हम। तो पतिदेव का बहुत ही ज़्यादा 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 इंतज़ार हो रहा है गाइस। और मैं भी उठ जाती हूँ, नहा लेती हूँ, और फिर उसके बाद मिलती हूँ। और आप लोगों को ना कुछ बहुत ही स्पेशल वाला दिखाना है, तो चलो मैं उठ जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस, मैंने नहा लिया है, और कैसा लगा आप लोगों को डेकोरेशन कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। मेरी बहुत मेहनत लगी है यार, मतलब मैंने ना फूल कैसे तोड़े वो मुझे ही पता है, क्योंकि हमारे घर में तो फूल है नहीं। और मैं ऊपर गई थी लेने के लिए, तो बहुत से लोग पूछ रहे थे आज क्यों घूम रही है करके ना ऐसे। तो मेरे से बस उतना ही होता है यार। वैसे सोचा तो बहुत कुछ था, पर कई लोगों को ना वो बहुत ज़्यादा लग जाता, तो फिर मैंने नहीं किया। और वैसे भी ना एक बात बता दूँ आप लोगों को, मतलब मेरे पते देखो ना, ये सब चोचले बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मतलब उन लोग उनको ना प्राइवेट रहना बहुत पसंद है, मतलब ज़्यादा दिखावा करना नहीं अच्छा लगता है। पर यार, इस बार मेरे हस्बैंड कोर्स से होकर आ रहे हैं, और मतलब ट्रेनिंग में थे, तो ऐसा ही होता है ना मूड। तो फिर और हमारा इस बार का जो डिस्टेंस था ना, दूरियाँ जो हम दोनों के बीच में थी अभी 2.5 साल की शादी में, तो वो सबसे ज़्यादा बेकार थी यार। मतलब हमारी इतनी लड़ाइयाँ हुई ना, क्या बताऊँ। तो बस थोड़ा सा ऐसा है कि जब वो घर पे आए तो उनका मूड जो है ना, मतलब फ्रेश हो जाए, मतलब पॉजिटिव वाइब आए थोड़ा, इसलिए मैंने ऐसा किया। बाकी तो ठीक ही है, जितनी खुशी आज है मुझे उतनी पहले भी थी और हमेशा रहेगी। तो बस कुछ ही देर की बात है, फिर ना पतिदेव मेरे साथ में होंगे, तो मैं फिर तभी मिलूंगी आप लोगों से, ठीक है? तो गाइस, पतिदेव ना फुलारा गाँव पहुँच चुके हैं। अभी मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैं जल्दी से कैमरा वैमरा सेट करती हूँ और फिर देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। और कुछ गड़बड़ होगी तो यार, मतलब चलो देखते हैं क्या होता है। और अब मैं ना डायरेक्ट तभी मिलूंगी आप लोगों से, ठीक है? अब जितना भी टाइम लगे मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ अच्छे से, कहाँ से दिख रहा है सब कुछ, और फिर तभी मिलूंगी मैं आप लोगों से। यार मतलब ना ऐसा हो रहा है जैसे कि वो पहली बार छुट्टी आ रहे हैं। मतलब इस बार की खुशी ना बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि इतने महीने बाद हम मिलेंगे, इतनी लड़ाइयों के बाद फाइनली। अब देखो, मेरे पतिदेव मेरी बेइज्जती करते हैं, ये सब क्या ड्रामा है, या फिर प्यार से गले लगाते। फिलहाल पीछे देखो ना, कितना प्यारा लग रहा है ये, देखो। तो गाइज, मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। क्या कहना चाहते हो? कुछ तो तारीफ करो, हमारी इतनी मेहनत की है कल से। कल से इतनी मेहनत की है, कुछ तो बोलो। छी, कुछ भी नहीं कह रहे हो? एक बार तो इधर तो देख लो फिर। क्या ना कुनिया,
सच्ची बता। तो गाइस पतिदेव पहुंच चुके हैं घर, अभी वो नहा रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता, और मम्मी लोग भी अपना अपना काम कर रहे हैं, तो नाश्ता बना लेती हूँ और फिर मिलते रहेंगे आप लोगों से। तो गाइस मैं नाश्ता करके आ गई हूँ खेत पे, ये गोबर लेके जा रही हूँ और वहीं से ना मैं घास भी काट के लेके आऊँगी, फिर दोपहर में खाना भी बनाना है तो इसलिए मैं जल्दी आ गई हूँ। तो चलो खेत पे चलते हैं और दिखाती हूँ तुम्हें अपना खेत कहाँ पे है करके, ठीक है। और पति देव तो ना नहा धो के सो भी गए हैं, उन्होंने नाश्ता भी ढंग से नहीं किया, सो गए वो, तो हम काट के लेके आते हैं घास। देखो वहाँ पे मैंने डाला गोबर और इधर तक मैंने काटा, बाकी इतना कल काट के लेके गई थी, और ये रहा मेरा कट्टा, इसमें काट के ले गई घास और अभी मैं खा रही हूँ एनी टाइम। तो गाइज मैंने काट लिया है घास, मैंने कहा ना पहले काट लेती हूँ फिर उसके बाद बैठूँगी फिर बनाऊँगी ब्लॉग, क्योंकि ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो मैंने बना लिया ये कट्टा और मैं अपने लिए लेके आई थी, एनी टाइम लेके आई थी, इतना अच्छा होता है ना आपका अपना स्वदेशी स्वाद। तो गाइज अब मैंने क्या करना है, घर जाके खाना बनाना है, तो फटाफट चलते हैं घर, पानी भी पीते हैं, प्यास भी लग रही है यार, तो चलो घर चलते हैं। तो गाइस खाना मैंने बना के रख दिया है, अभी नहीं खाया है क्योंकि ना मेरे नाना सास लोग भी आ रहे हैं आज, क्योंकि मेरे नीचे जो ननद है ना, मतलब मेरी चाची सास है जो उनकी बेटी की बेटी हुई है, मतलब मेरी ननद की बेटी हुई है, तो शाम को मैं जाऊंगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी, कल बाबू का नामकरण है तो कल का ब्लॉग भी आएगा। तो अभी ना मैं ऊपर आई थी, पतिदेव का बैग वैग खोला मैंने, तो मेरे को ना पति देव की बुक दिखी, तो मैं आप लोग को अपने पति की राइटिंग दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस मेरी पति देव की राइटिंग मस्त है ना, और गुस्सा करेंगे क्यों दिखाया करके। गाइस आगे आगे का, तो गाइस हमारा खाना भी हो चुका है और दीदी लोग भी आ गए हैं। मेरे ना पतिदेव ऐसे है ना, क्या बताओ तुम्हें, आमा आमा के जैसे चाहिए इनको चाय, हर टाइम चाय चाय, इतनी गर्मी में भी बस चाय पीता हूँ, इतने नौटंकी कर रहे थे खाली सोने के, मैंने भी खट्टे अंगूर खिला दिए। आई कर ला करूंगी मैं तो, ऐसे है यार चाय बना, बोलती दोपहर में इतनी गर्मी में चाय पीता है कोई। फाइनली मैं बना के लेके आ गई हूँ अपने पतिदेव के लिए चाय, जब उनने 10 बार बोला तब उनको चाय मिली, और ये देखो इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं ना ये, चाय नहीं पीनी नौटंकी करता है तुम्हें। तो गाइस मैं सबको चाय वाय पिला के चले गई हूँ लकड़ी पहुँचाने, मैं जा रही हूँ चाची के घर, कल वहाँ ना हमारे बाबू का नामकरण है, यानी कि मेरी ननद की लड़की का, तो मैं वहीं जा रही हूँ लकड़ी पहुँचाने के लिए, अभी दिखाती हूँ आपको बाबू को, ठीक है। तो गाइस ये देखो हमारा आलू का खेत, वो देखो चाची हुई कि दीदी मेरी, वो बोल दी है यो बोल यो बना ली, चलो उनके पास जाते हैं हाँ। तो गाइज ये है नीचे अटास, और दीदी लोग मेरे को आवाज़ दे रहे थे इधर आ इधर आ करके, अब क्या गप्पे मारते हैं देखते हैं। हाँ गाइज सुन लो इनके दुखड़े गाइस, अटास का सिरान देखो कद बड़ी क्यों है रे उन्हें, नहीं तुम आल देर में कला गोड़ ना पे ये दून गोड़ करनी है, अरे दूसरे लोग गोड़ना पड़गा, ये देखो नए नए मकान बन रहे हैं अटास में, तो पसंद फोटो लगा रहा सी हो गाइज। यहाँ पे जो ये तीन नए नए घर दिख रहे हैं ना, ये हमारे ही चाचा लोगों के घर हैं, मतलब वो वाला जो घर है वो मेरे सबसे बड़े वाले ससुर जी लोगों का घर है, और ये दोनों घर तो ना अभी बने हैं नए नए। गाइज ये रही हमारी ननद जी, और वो है हमारी छोटकी सी बाबू, कल दिखाऊंगी अच्छे से। हाँ गाइज मेरी यहाँ कोई इज्जत नहीं हो रही है, जो काम कर रहा है उसी की इज्जत हो रही है, पर मैंने 4 बर्तन धोए हुए हैं, मैंने ना टीका खुद ही लगा लिया है, कोई बात नहीं यार सब अपने काम में बिजी है ना। ये तो निशा है, आपने देखी है गाइस, ये रीना है, और हम इतने टाइम बाद मिलते हैं, मतलब यही रहते हैं पर मिलते नहीं है, सब बिजी बिजी है ना, ये सब जॉब करती है, मतलब ऑफिस वर्क घर से करती है कभी, और पीछे हमारी चाची है बहुत बिजी
लीजिए, काम हो रहा है ना तभी। कल कल इनकी नातनी का वो नामकरण है चाची, ठीक है गाइस, सभी लोग आ जाना भात खाने के लिए। और है कौन बोले चाची? गाइस आप लोगों को ना, अब बाबू को अच्छे से करी दिखाऊंगी मैं, ठीक है। और मेरा आज का ब्लॉग भी बहुत बड़ा हो गया है, हमारे चाचू आए हैं तभी तो, और हमारी भाभी को सोशल मीडिया में वायरल, इनको खूब फॉलो करो, लाइक करो, जहाँ तक भारत की सीमा है। गाइस रीना ना इतनी खतरनाक डायलॉग मारती है ना, क्या बताऊं तुम्हें अब। और गाइस ये मेरे भतीजा और देवर है, कल के लिए सामान लेके आ रहे हैं, बर्तन, इनकी हालत देखो। गाइस हम थोड़ा हेल्प करते हैं फिर बनाएंगे ब्लॉग। गाइस ये देख सकते हो, ये कल को हमारे घर में नामकरण है तो उसके लिए काम करते हुए, और ये खाली वीडियो के लिए काम कर रही है। हाँ मैं बता दूँ आपको, और बर्तन भी देखो ऐसे लाए जा रहे हैं, हाथ से नहीं लाते हैं। देखो ये मेरी स्लीपर पहन के आई है, मेरे भी नहीं है, मैं भी किसी के पहन के आई, ये पता नहीं किसकी है। कैसे हमारे कार्यकर्ता है जो इतना सारा सामान लेके आए बाइक में, ये देखो ये हमारे जीजाजी है। तो आज का ब्लॉग भी काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो मैं आज का ब्लॉग जो है वो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, तो हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग पे। बाय बाय।